तो क्वेश्चन यहाँ पे था है कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा हेलो। क्वेश्चन ये था कि जब हम कारकस को उसकी वॉशिंग के लिए वाटर यूज करते हैं, इसमें क्लोरीन ऐड होती है, तो क्लोरीन की एडिशन से कारकस को मैं आपको क्वेश्चन सही तरह से सुन नहीं पाया, प्लीज जरा रिपीट कीजिएगा। सर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सर क्वेश्चन ये है कि जब आपने बोला है ना कि कहते हैं कि कारकस को डिकंटेमिनेट करने के लिए जो है आप लोग क्लोरिनेटेड वाटर यूज कर सकते हैं जिसका लेवल जो है वो 50 से 100 ppm है, तो सर इसके यूज से जो है मीट की जो क्वालिटी है, सरफेस जो उसकी फैट जो होती है, उस पर कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ता? नहीं, बिल्कुल नहीं पता। इसमें स्पेसिफाई किया हुआ ना 52 ppm, तो सोल्यूशन जी मतलब ये कुछ लाजमी तौर पे इस चीज को परफॉर्म करना भी मतलब बेहतर वो नहीं है कि हम हर दफा हम GHP को बाय बाय कर लें और एंड पे हम क्लोरिनेटेड वाटर से उसको वॉश कर लें तो दैट इशू विल बी रिजॉल्व। नहीं, ये जस्ट एज अ केस बात की गई है कि इन दैट केस हम इस ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन वो जस्ट एज अ केस है। ठीक है जी। और इस चीज को हमने कंसीडर करना है कि जितनी भी GHP की बात हो रही है पीछे, हम उन सभी को फॉलो करें विद टू सेंस। ठीक है सर। सर इसके साथ ही लिंक करता है क्वेश्चन मेरा और पहले भी था, मैं पहले नहीं आपसे क्वेश्चन कर सका सर। वो क्वेश्चन ये है कि जब हम एनिमल को स्लॉटरिंग के लिए लाइन में लगाते हैं, इनके शूट में लगाते हैं, और एनिमल जो है वो डर्टी हैं, जैसे कि मौसम आगे आना है, बरसात का मौसम आगे आगे बरसात का, तो उसमें एनिमल की सारी जो है ना स्किन, उस पर सारी वो सारा कुछ जमा होगा, उसको हम बोलते हैं कि सारा कुछ वो गार वगैरह जमी उसके ऊपर होगी, तो उसकी स्किन जो है वो गार से भरी हुई होगी, एनिमल नीचे बैठते हैं वहां पे, वो कहते हैं कि अपने फीसिस के साथ उनकी स्किन पूरी भर जाती है। सर इनकी वॉशिंग के लिए जो हमने वाटर यूज करना है, वाटर की मतलब क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वाटर का कितना टेम्परेचर हो, इस तरह की कोई चीज है या उसमें कोई वाटर में कोई चीज इसमें ऐड करें जिससे उसकी क्लीनिंग इफेक्टिव हो जाए, ये तो तो मतलब काइंडली इस पर ज़्यादा बताइएगा। एनवायरनमेंट बेस्ड है। फॉर एग्जांपल सर्दियों में आप जो नॉर्मल टेंपरेचर है ना पानी का वो भी यूज करते हैं, नॉर्मल इसमें देखने ये है कि नॉर्मल टेंपरेचर वाटर हो, हाउएवर प्रेशर मतलब जरूर हो पानी में, ताकि मतलब एक जगह पे जहाँ पे जानवर खड़े हैं उनको प्रॉपर तरीके से वहाँ से मतलब प्रेशर के साथ धोया जा सके। अब इसमें सर्दर्दी एंटी मॉर्टम जो है ना वो इस चीज को डिफाइन करेगा कि जानवर की कंडीशन क्या है, आया जानवर मतलब इतना गंदा इतना ज्यादा गंदा है कि उसको इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से साफ किया जाए। मतलब फिर भी हम वो चीजें तो नहीं मतलब कंसिडर कर सकते उस हिसाब से, क्योंकि जानवर हैं जारी बात है वो चीजें उस हिसाब से कंसिडरेशन में नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी जो वेटनेरियन है उनकी सेट रूल एंड गाइडलाइन होती हैं एंटी मॉर्टम के लिए जिनको फॉलो किया जाना जरूरी है। फिर मतलब इसमें एंटी मॉर्टम का एक प्रॉपर एक प्रोफॉर्मा होता है उनके पास स्लॉटर हाउस में, कि जानवर को उस हिसाब से वो मतलब कंसिडर करते हैं उसकी हेल्थ और हाइजीन को थ्रू विजुअल ऑब्जर्वेशन। फर्दर भी इसमें ये है कि मतलब अगर जानवर इतना ज़्यादा गंदा है तो उसको तो प्रॉपर वे में मतलब नहलाना, प्रेशर के साथ उसको पानी का साफ करना, ये चीज़। ठीक है सर मैं आपका सर पॉइंट समझ गया हूँ। सर इससे आगे छोटी सी मैंने एक बात पूछनी है, वो ये है कि उस वाटर में हम कोई केमिकल कुछ इस तरह की कुछ चीज यूज कर सकते हैं या उसकी नहीं, जरूरत मेरे ख्याल से नहीं है, आप इस पर काइंडली कंफर्म कर दें। स्पेशल केस में हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ डिसइंफेक्टेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जी वेटनेरियन जो ना पहले जानवर की कंडीशन देखेगा कि क्या ये जानवर मतलब आम पानी से इसको धोया जाना चाहिए या फिर इसमें कोई ऐसा डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जानवर को भी अपने वो माइट्स का नाम सुना अगर, माइट्स जिसको हम पंजाबी लोकल लैंग्वेज में चिचड़ बोलते हैं, ठीक है। अब अक्सर वो जी जानवरों जी में चल इशू होता है वो भी एंटीमॉर्टम का केस है। वेटनेरियन वहाँ पे वो डिफाइन करेगा कि इस जानवरों को कितनी देर के लिए कल करना है, कल आई मीन टू से कितनी देर के लिए उसको सेपरेट रखना है, उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। मतलब ये मैं केमिकल ट्रीटमेंट की बात इन दैट सेंस कर रहा हूँ कि जब फिजिकल ऑब्जर्वेशन में वो जानवर विजुअल ऑब्जर्वेशन के थ्रू उनको करेंगे तो एंड मुमकिन है कि पानी के थ्रू उसको ट्रीटमेंट दी जाए या पानी में कुछ ऐसे डिसइंफेक्टेंट्स यूज किए जाएं जो
इन्वॉल्व हो गया, तो ये सारी चीजें सिचुएशन बेस्ड है। शुक्रिया सर, थैंक यू। ओके, पोस्टमार्टम के क्या जीएसपीज हैं? ड्यूरिंग पोस्टमार्टम मीट इंस्पेक्शन palpation and incision of lymph nodes, infected tissues or tissues with abnormalities can give rise to cross contamination. अब ये कुछ conditions हैं जिसमें मतलब postmortem मतलब जानवर को जब चिपक कर लिया है, चिपक करने के बाद की meat की inspection किस तरीके से करनी है। Incision should therefore be avoided where possible and palpation of organs should be minimal. ओके, आगे पर्सनल हाइजीन ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स स्लॉटर हाउस पे काम कर रहे हैं उनकी अपनी हेल्थ और हाइजीन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्या क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग शुड बी वॉर्न एंड रिप्लेस्ड ईच डे और व्हेन हैवीली सॉइल्ड। उसके बाद यूनिफॉर्म का कलर लाइट होना चाहिए ताकि उस पर कम से कम जो डस्ट डर्ट या जो ब्लड वगैरह लगेगा उससे पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म की कंडीशन का। अगर गहरे रंग की होगी तो जितना ज़्यादा जितना मर्जी लगता जाए उससे पता नहीं चलेगा। इसके अलावा हैंड्स एंड आर्म्स शुड बी वॉश्ड एंड नाइफ एंड इक्विपमेंट यूटेंसिल्स और उनको स्टरलाइज करना है हॉट वाटर के साथ। आगे वो पैरामीटर्स आएंगे हैंड वॉशिंग के, क्या पैरामीटर्स, कितनी देर बाद हैंड्स को वॉश करना है, या पर्सनल हाइजीन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उनको क्या कैसे कंसिडर करना है, वो अगली स्लाइड में आएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। वर्कर्स मस्ट वॉश देयर बॉडीज रेगुलरली एंड हैव द नेल्स ट्रिम्ड एज मच एज पॉसिबल। नाखून काटने फ्रेश हो, मतलब मेंटली भी ओके हो, नेल पॉलिश और इसका कलर वगैरह जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। इसी तरह दाढ़ी अगर रखी है तो प्रॉपर हो और उसको प्रॉपरली टर्बन या बियर नेट के साथ कवर किया जाए। अगर छोटी छोटी आम जैसे दाढ़ी बड़ी होती शेव, उसको प्रॉपर से शेव होना चाहिए। दे शुड नॉट मूव फ्रॉम डर्टी टू क्लीन प्लेसेस। डर्टी प्लेसेस से क्लीन प्लेसेस में नहीं मूव करना चाहिए उनको, मतलब अगर डर्टी प्लेस से क्लीन प्लेस में जा रहा है तो फिर वो पर्सनल हाइजीन के प्रॉपर पैरामीटर्स को अडॉप्ट करे, यूनिफॉर्म चेंज करे, शूज चेंज करे, फिर स्लॉटर हाउस में जाए। अब नॉर्मली हमारे यहाँ स्लॉटर हाउस का कंसेप्ट तो ये है ना कि जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंद होगा, इधर उधर खून बिखरा होगा, जानवरों के पार्ट्स पड़ेंगे, नहीं। जी एच पी ये कहती हैं कि हर चीज़ को प्रॉपर मेथड से, प्रॉपर वे में, प्रॉपर उसकी जो एस ओ पी है उसके तहत डील करना है। अभी सारी चीज़ें आगे स्लॉटर हाउस के बारे में भी आएंगी कि उसकी सफाई की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जनरल हाउस की मैनेजमेंट कैसी है, ये सारी चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, काइंडली मैं आपको शेयर करता हूँ। सर क्वेश्चन ये है, जैसे कि मैंने पहले भी बात की थी कि मौसम पे काफी कुछ डिपेंड कर रहा था, जैसे कि आजकल गर्मियां हैं तो जो है ना वर्कर्स वो हाफ स्लीव्स मतलब पहनते हैं और उनकी जो है ना कोनिया बाजू सब नंगे होते हैं, वो अपने हैंड तो वॉश कर लेते हैं पर ड्यूरिंग मीट हैंडलिंग उनके जो है ना उनकी कोनिया तक जो उसका पार्ट है पूरा बाजू जो है वो मीट के साथ इन कॉन्टेक्ट आता है, तो सर इसके लिए आपके पास क्या सजेशन है, इस पे सर काइंडली बताएं। देखिए इसमें एक तो ये है कि जहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना वो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें फिर वो सर्दी गर्मी का कंसेप्ट है तो जरूर कंसिडर तो डेफिनेटली किया जाता है, लेकिन उस हिसाब से उसका इफेक्ट नहीं था कि आया वो वर्कर हाफ बाजू पहन के काम कर रहा है या क्या। हाउएवर जो पर्सनल हाइजीन की रिकमेंडेशन है उसके तहत प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना जरूरी है, उसमें हाफ बाजू नहीं होने चाहिए। मतलब कंसेप्ट बुनियादी तौर पर ये है कि जो ब्लड है वो आपकी बॉडी को ना लगे। डेफिनेटली ये ऐसा करना पॉसिबल नहीं है कि ब्लड ना लगे ड्यूरिंग स्लॉटरिंग ऑपरेशन, ये सारे मामला चलते हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि मेरी बॉडी पूरी कवर हो, सर पूरा कवर हो। अब आप ये कह सकते हैं कि जी सर को हम नहीं कवर कर सकते क्योंकि गर्मी है, गर्मी लगेगी, नो डाउट गर्मी लगेगी, लेकिन हाउस की फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है वर्किंग कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि जो एनवायरनमेंट जो वर्कर फ्रेंडली हो ताकि उसको पर्सनल हाइजीन की चीज़ों को इस्तेमाल करने में, वियर करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। ये चीज़ें जैसा कि आप ये
डायग्राम में तस्वीर में देख सकते हैं, दो हैं। ब्लू यूनिफॉर्म में जो बंदा है उसकी कंडीशन को देखें और जो व्हाइट सूट में बंदा है उसकी कंडीशन को देखें। आप क्या समझते हैं कौन सा बंदा इन दोनों में से बेहतर है काम करने के लिए? आप ही चीज का जवाब दीजिए। सर ये तो कहता है कि बिल्कुल क्लियर सबको नजर आ रहा है कि जिसमें यूनिफॉर्म प्रॉपर है वो बेहतर है। सर पर सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब आप ना ग्राउंड पे करते हैं ना काम करते हैं या ग्राउंड रियलिटी पे आप बात करते हैं तो इसमें आपको जो है ना ग्राउंड रियलिटी के जो फैक्ट्स हैं उनको साथ देखना पड़ता है कि आपको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। लेकिन बात ये है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ना जी वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है वर्कर के वर्किंग बिहेवियर के ऊपर। अगर बिल फॉर एग्जांपल स्लॉटर हाउस में इतनी शिद्दत की हवस है, गर्मी है, सारी बात है, वहाँ पे जानवर भी हैं, सारी बात है, जानवरों का एनवायरनमेंट कुछ और तरह का होता है, ठीक है जी। वहाँ का एनवायरनमेंट तो सर छोटी सी बात मैं ये पूछना चाह रहा था, सॉरी मैं आपकी सर बात को काट रहा हूँ, कि सर इसके लिए जो है हम एल्बो बैंड्स वगैरह यूज कर सकते हैं जिससे एल्बो हमारी कवर हो जाए और वो चीज को फिर हम सर प्रॉपरली बाजुओं को कलाई तक कवर करना जरूरी है। इस चीज को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। अब हमारे जो लोकल कसाई हैं वो तो यही फिर ये जो ब्लू शर्ट में नजर आ रहा है यही सेम सिचुएशन होती ना उनकी, इस तरह के होते होंगे, बिल्कुल इसी कह रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे सिस्टम कोई ऐसा प्रोसेसिंग प्लांट विजिट करें जहाँ पे मीट स्लॉटरिंग भी हो रही है प्रोसेसिंग भी हो रही है, क्या आपको ये ब्लू शर्ट वाले इस तरह के नजर आएंगे या जो व्हाइट कोट में इस तरह के ड्रेसिंग में लोग नजर आएंगे उनके कसाब उनके वर्कर्स? अब बात वही है जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इस तरह का है कि वहाँ पे वर्कर का काम करना ईजी है। सबसे पहले वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो तो डेफिनेटली वर्कर भी इस चीज़ की तरफ रहेगा कि यार यहाँ पे काम करने का एनवायरनमेंट अच्छा है, मुझे प्रॉपर एसओपीज़ को फॉलो करना है। और अगर हमारे लोकल गली मोहल्लों में जो किसान बैठे हैं वो तो नहीं फिर इस तरह का कोट पहनते और ये सारी चीज़ें प्रॉपरली वो कवर नहीं करते, वो तो फिर इसी हालत में होते हैं जो ब्लू शर्ट में आपको दिख रहा है। तो फिर दे आर जी सर ठीक है सर मैक्सिमम प्रोन टू कंटेमिनेशन, दे आर मैक्सिमम प्रोन टू हेल्थ रिस्क, दे आर मैक्सिमम प्रोन टू हैजर्ड्स। बिल्कुल ठीक है सर, प्लीज प्रोसीड। ओके सो इस तस्वीर में आपको एक जनरल ओवरव्यू मिल गया है कि किस तरीके से आपने अपने आप को रेडी करना है फॉर वर्किंग। कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, आपके बाल बिखरे ना हो, दाढ़ी बड़ी ना हो, अगर दाढ़ी रखी है तो कवर हो प्रॉपर, सर पे कवरिंग हो, आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर हो। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उसके वो शू लेसेस ओपन है एंड मुमकिन है ये बंदा जब स्लॉटरिंग करे अपने पाँव में खुद ही फंस के गिर जाए, ठीक है। सो इट मस्ट बी कंसिडर्ड। ओके जी, ये एक चेकलिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है जो कि पर्सनल हाइजीन के पैरामीटर्स को यहाँ पे मुख्तलिफ बता रही। फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड पे एम्प्लॉयज के नाम मेंशन है, आगे शिफ्ट वाइज यहाँ पे ये फॉर्म फिल होगा इस तरह डेट के हिसाब से। फर्स्ट वन इज हैंड वॉश, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक्स वाई जी है, आपने देखना है कि उस बंदे ने काम शुरू करने से पहले हैंड वॉश किए, जो सुपरवाइजर है जो मैनेजर है वो यहाँ पे चेक करेगा, अगर नहीं किए तो वो यहाँ पे एन सी लिखेगा नॉन कन्फर्मेंस। इसी तरह नेल्स हैं, शेव कटिंग, बोन्स कट्स, इन्फेक्शियस डिजीज है, हेल्थ केयर का यूनिफॉर्म एप्रन पहनना कि नहीं, हेयर है, मेट कैप, ज्वेलरी और शूज, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वो कंसिडर करेगा और नीचे अपने रिमार्क्स देगा कि जी ओवरऑल हेल्थ स्टेटस क्या था या उस फलाने एम्प्लॉय का एक्स वाई जी का क्या स्टेटस था और करेक्टिव एक्शन क्या लिया यहाँ पे जी, उसके हैंड वॉश करवाए, उसके नाखून बड़े हुए थे, उसके नाखून कटवाए, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करें और विद सिग्नेचर ताकि वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड में आए ये चीज़। इसी तरह आगे हैंड वॉशिंग के पैरामीटर्स हैं, उसी तरह एम्प्लॉय नेम्स शिफ्ट के हिसाब से और डेट के हिसाब से, यहाँ पे दो घंटे के स्पैन के हिसाब से टाइम मेंशन किया गया। फॉर एग्जांपल 10 बजे काम शुरू करता है तो लाजमी तौर पे उसको 12 बजे अपने हाथ धोने हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन को कम किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन वर्क नेचर कि वो काम क्या कर रहा है, उस हिसाब से उसको कम किया जा सकता है। हाउएवर फूड सेफ्टी गाइडलाइंस ये कहती हैं
कि कोई भी बंदा किसी भी वर्किंग एनवायरनमेंट में फूड से रिलेटेड काम कर रहा है, फूड प्रिपरेशन प्रोसेसिंग कर रहा है, कम से कम उसको 2 घंटे बाद अपने हाथों को लाजमी तौर पर धोना है। आजकल की सिचुएशन कुछ डिफरेंट है, कोरोना के मामला आते हैं अब तो कह रहे हैं कि बार बार हाथों को धोने, हर काम करने से पहले और हर काम करने के बाद हाथ धोने। हाउएवर जो स्लॉटर हाउस की कंडीशन हैं या उधर की जो वर्किंग कंडीशन हैं या जो वर्क नेचर है उसके हिसाब से तो मैं समझता हूँ उसको हर काम करने से पहले और बाद में हाथ धोना ज़रूरी है। हाउएवर हमारे लोकल कसाब वगैरह तो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, लेकिन उसमें फिर आप जो उनकी जो प्रोडक्ट है, जो मीट है, उसकी क्वालिटी को आप कंपेयर भी नहीं कर सकते दूसरी जो एक GHP के अकॉर्डिंग भी जो प्रोसेसिंग हुई है उस चीज़ को आप फॉलो भी नहीं कर सकते, सॉरी उसको आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, डेफिनेटली उसकी क्वालिटी वेरी करेगी। तो इसी तरह इसको साइन और स्टंप के साथ वेरीफाई करना है, रिमार्क्स देने, करेक्टिव एक्शन लिखने हैं। GHP of slaughterhouse personnel में आ रहा है workers should not use heavy perfumes, lipstick, ये वो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वाशिंग फैसिलिटीज वहाँ पे होनी चाहिए, साबुन के साथ लिक्विड हैंड वॉश होना चाहिए, सैनिटाइजर होना चाहिए, और जो मेडिकल चेकअप है हर 6 माह बाद सेफ्टी का रूल भी रहता है कि हर 6 माह बाद मेडिकल चेकअप वर्कर्स का होना चाहिए ताकि उसको कोई कम्युनिकेबल या इन्फेक्शस डिजीज है उसका पता चल जाए या उसको जो हेपेटाइटिस की ऐसी बीमारी है उसका पता चल जाए। तो स्लॉटर हाउस क्लीनिंग की बात करते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग एंड सैनिटेशन ऑफ द स्लॉटर फ्लोर वॉल्स एंड इक्विपमेंट शुड अकर डेली एंड फ्रीक्वेंटली ड्यूरिंग द डे। हर काम करने से पहले और बाद में क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन करनी है, इसी तरह डे एंड पे काम क्लोज करने के बाद उसको प्रॉपर सैनिटाइज और क्लीन करना है। सैनिटरी स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर SOPs फॉलो करनी है, उसमें जो भी पैरामीटर और सेट गाइडलाइंस हैं SOPs के अंदर उनको फॉलो करना है। सोर्सेज ऑफ कार्केस कंटेमिनेशन में आ जाता है, कंटेमिनेशन एट द फार्म विद पैथोजन एंड केमिकल रेजिड्यू हो सकता है, डर्टी फीट फॉर एग्जांपल गंदे पांव लेके बाइक से भी वर्कर अंदर आ रहा है, हाइड्स एंड स्किन ड्यूरिंग फ्लेइंग या काम के दौरान उसके पांव गंदे हो रहे हैं वो भी कंटेमिनेशन का बायस बन सकती है। बुचर टूल्स नाइव्स या कुछ दूसरी चीज़ें जो हैंड करने के लिए कोई इस तरह चीज़ें, इंटेस्टाइनल स्टमक कंटेंट्स गट के कंटेंट्स हैं वो उसको कंटेमिनेशन का बायस बन सकते हैं। पुअर क्वालिटी वाटर, फिर पुअर पर्सनल हाइजीन हैबिट्स, कंटेमिनेटेड मीट कैरियर्स जिन बर्तनों में जिन मीट डाला जा रहा है वो, इसी तरह कुत्ते बिल्लियाँ वगैरह वो अगर उस पेंसिल में आ रहे हैं तो वो भी उसको कंटेमिनेट कर सकते हैं। अब फर्दर उसमें अनसैनिटरी प्रैक्टिस या कुछ बुरी आदत जो वर्कर्स के पार्ट पे हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या है जी, वॉकिंग एमलेसली वाइल ऑपरेशन आर ऑन, मतलब बगैर मकसद के इधर उधर घूमते जाना, ये भी एक अनसैनिटरी या बुरी आदत है जो वहाँ पे कंटेमिनेशन क्रिएट कर सकती है या अनसेफ्टी वहाँ पे जैसा सीन क्रिएट कर सकती है। अनगार्डेड कफिंग, मतलब बगैर मुंह पे मास्क लिए वहाँ पे छींकना या खांसी करना, ये भी रेस्पिरेटरी बैक्टीरिया वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकती है। स्पिटिंग ऑन हैंड्स, बाज का अक्सर आपने देखा होगा ये जो लोकल के साथ वगैरह है वो काम थोड़ी देर बाद करने के बाद हाथों पे ऐसे खूब फेंक के ऐसे हाथों को आपस में रगड़ के मल के फिर अपना काम शुरू करेंगे। उसका मकसद क्या उनका होता है जी कि छुरी के साथ चौके के साथ की ग्रिप प्रॉपर हो जाए, हालांकि ये बुरी आदत है, गलत चीज़ है, इसको नहीं करना। अगर आपके हाथों के वो जो उसकी ऑयली हो चुके हैं या मतलब वो ग्रिप नहीं प्रॉपर, तो आप हाथों को वॉश कर लें, अपने इक्विपमेंट को वॉश कर लें, फिर लिकिंग फिंगर्स टू पिक अप आइटम्स लाइक पेपर भी बदलना है तो वो ऐसे थूक लगाएंगे जबान से, या अक्सर बैड हैबिट मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, सबके दरमियान होती है, वो अक्सर पैसे वाला गिनने होते हैं तो ऐसे जुबान से वो थूक लगा के ऐसे पैसे, ये भी बैड हैबिट है। ठीक है जी, इससे आप अपनी जुबान पे भी बैक्टीरिया इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फर्दर चीज़ को भी कंटेमिनेट कर रहे हैं। उसी तरह अक्सर ये शॉपर वगैरह में मटन या बीफ वगैरह डाल के जिसमें शॉपर के अंदर ऐसे थूक मार के इसको फैलाएंगे, उसमें भी क्या आप रेस्पिरेटरी जो बैक्टीरिया वो इंट्रोड्यूस करवा दें, इस चीज को अवॉइड करना है। देन कटिंग ऑफ फिंगर नेल्स, मुंह से नाखून चबाना,
फिर मुंह के अंदर पेंसिल ले लेना, बॉल पेन डाल लेना, ये भी बैड हैबिट में आ जाता है। फिर शेकिंग हैंड्स इन द स्लॉटर हाउस, अब गंदे हाथों से दूसरे के साथ सलाम ले लेना यदि आप कंटेमिनेशन का उसके लिए बाइक कर रहे हैं। ईटिंग स्मोकिंग सिगरेट, अक्सर इन लोगों को आदत होती है, स्मोकिंग करते हैं, पान पान इस सारी चीज़ें खाते हैं, ये भी बैड हैबिट्स में। फिर च्यूइंग गम, ब्लोइंग और वाइपिंग नोज यूजिंग बेयर हैंड और प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, यूज ऑफ मोबाइल टेलीफोन इस चीज़ को अवॉइड करना है। या नोज पिकिंग, नाक के अंदर उंगलियाँ मारना, ये भी बुरी आदत है। रिमूवल ऑफ ईयर वैक्स, स्क्रैचिंग ऑफ हेड, सर में खुजली करना, ब्रशिंग ऑफ टीथ, ये सारी चीज़ें जो ना, या अक्सर पेशाब करने के लिए जगह जो ना वाशरूम की फैसिलिटीज वहाँ पर प्रॉपर नहीं होती, वो भी जहाँ पे दिल किया, मतलब क्या मैं इसकी मैंशन करूँ। बहरहाल ये सारी चीज़ें कंसिडर करने वाली हैं। फिर इसके नाम के लिए प्रॉपर एक ड्रेसिंग रूम होना चाहिए, और फिर खाना खाने के लिए प्रॉपर रूम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इनको कंसिडर किया जाना चाहिए। अब पार्टिसिपेंट्स के लिए यहाँ पर मैं एक ये डायग्राम है, इसको हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक जनरल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक बुनियादी बात ये है कि फूड सेफ्टी इज ऑल अबाउट पॉजिटिव बिहेवियर। अगर बिहेवियर पॉजिटिव नहीं है तो मैं समझता हूँ फूड सेफ्टी को हम ट्रू सेंस में फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम है, पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि वर्कर है, ये बंदा काम पे है, काम के दौरान बिल्कुल इसको खाने की ममानियत है कि ये कोई चीज़ खा नहीं सकता। अगर बिल्कुल स्लॉटर हाउस में काम के दौरान कोई बंदा या वर्कर कोई चीज़ खा रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो कंटेमिनेशन का बायस बंदा अपने लिए भी और उस चीज़ के लिए भी। इसी तरह तस्वीर में देख सकते हैं, इसका सर कवर नहीं है, या इसका बिहेवियर दुरुस्त नहीं है। बिहेवियर दुरुस्त इन बैड सेंस नहीं है कि ये काम के दौरान खा भी रहा है, इसने बाजू बजाय यहाँ पे प्रॉपर बाजू को कवर करने के इसने बाजुओं को ऊपर उठाया हुआ है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि फूड सेफ्टी इज ऑल अबाउट पॉजिटिव बिहेवियर, तो बिहेवियर ऑफ वर्कर शुड बी पॉजिटिव ड्यूरिंग वर्किंग।
अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रहमान साहब, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है आपकी। ये सभी पार्टिसिपेंट्स मुझे इजीली सुन सकते हैं? जी सर। जी सर, आवाज आई आपकी। ओके जी, माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट ऑफ कार्कास क्वालिटी, मतलब हम इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बीफ की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। The most significant food-borne hazards from fresh meat are bacteria, which can cause disease in humans such as Salmonella, Campylobacter, E. coli. So, some of these pathogens only require a few bacteria to cause food poisoning. अब इन सभी pathogens का ultimate link food poisoning के साथ है, क्योंकि meat की cooking quality disturb होगी और जो भी person इसको use करेगा कंज्यूम करेगा कंज्यूमर तो उसकी फूड पॉइजनिंग के साथ उसका मतलब फर्दर फूड पॉइजनिंग उसकी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती है। दीज बैक्टीरिया कैन नॉट बी डिटेक्टेड एट पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन। अब लाजमी नहीं है कि हम पोस्टमार्टम इंस्पेक्शन में जो सैंपल लिया उसी सैंपल में ह्यूज नंबर हमारे सामने आए as a result of lab analysis. However, consideration ये होनी चाहिए, जैसे पिछली स्लाइड में मैंने बताया है कि जो अब राम क्लिनिक की प्रिपरेशन है वहाँ पे मैक्सिमम फोकस रखें कि माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन ना हो या कम से कम हो। अगर मैक्सिमम माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेमिनेशन वहीं पे होगी तो फर्दर प्रोसेसिंग में फिर उसको हैंडल करना ईजी नहीं होगा, या फर्दर उसकी जो प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है या कीपिंग क्वालिटी है वो डायरेक्टली हार्नेस होगी। Slaughter and dressing operations provide many opportunities for contaminating carcasses with bacteria. The production of visually clean meat monitored by visual inspection is an important starting point of
meat safety. However, determination of the number and type of bacteria present on the surface of a carcass gives an objective assessment of meat contamination. मतलब ये है कि ओवरऑल एक जनरल असेसमेंट जो ना उसकी उसकी जो लैब एनालिसिस से मतलब जाहिर होगी कि सैंपल के अंदर कितने नंबर ऑफ बैक्टीरिया मतलब उनकी क्या काउंटिंग है, टोटल प्लेट काउंट क्या है. अभी फर्दर इसकी जो क्लैरिटी आएगी इन चीज़ों की. फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ मीट कैन स्प्रेड कंटेमिनेशन एज वेल एज इंट्रोड्यूस इट फ्रॉम इक्विपमेंट मीट हैंडलर्स or the environment, and poor temperature control can lead to growth of dangerous bacteria. Ab temperature control ki bahut zyada importance hai ki processing ke duran ya processing se pehle jab slaughtering ke duran carcass paint kiya ja raha hai wahan pe temperature ko maintain karna bada zaruri hai. Aage slaughter house ki conditions ki baat aayegi ki slaughter house mein temperature ki kya consideration honi chahiye, uska overall general environment kaisa hona chahiye. Testing against the microbiological criteria provide a way of measuring how well an operator has controlled the slaughter, dressing and production processes to avoid carcass contamination. Microbiological quality decision criteria. Pathogen control is best achieved by assessing meat of the for the following. एरोबिक प्लेट काउंट. अब ये तीन चार पैरामीटर हैं. एरोबिक प्लेट काउंट से इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल जो लोड है उसको देखा जा सकता है, या टोटल वायबल काउंट इसको बोलते हैं. कोलीफार्म काउंट्स कितने हैं ये भी डिटरमिन करेगा कि उस मीट के ऊपर कितना लोड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या पैथोजेंस का. इसी तरह एस्कर्शिया कोलाई, फीकल कोलीफार्म की तादाद से पता. ओवरऑल जो जनरल कंडीशंस हैं, जो ओवरऑल स्लॉटर हाउस का एनवायरनमेंट है, वो इस चीज़ को डिटरमिन करेगा कि मीट के ऊपर माइक्रोबियल लोड कितना है, और उस माइक्रोबियल लोड को हम काउंट करते हैं एरोबिक प्लेट काउंट के थ्रू. फर्दर उसका लैब एनालिसिस किया जाता है. अगर प्लेट के ऊपर उसको सैंपल ड्रॉ किया जाता है लैब लेबॉरेटरी में, देन उसकी काउंटिंग करके माइक्रोबियल लोड को डिटरमिन किया जाता है कि आया इस सैंपल के ऊपर कितना लोड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. The bacteria include those arising both from animals and from the slaughterhouse or meat processing environment. Aerobic plate count include both pathogenic and spoilage bacteria, because aerobic plate count includes organisms that are responsible for spoilage of meat. It will also give an indication of the keeping quality of meat. मतलब aerobic plate count, total plate count हमें एक जनरल ओवरव्यू दे देते हैं कि इसकी माइक्रोबियल लोड कितना है. उसी से हम डिटरमिन करते हैं कि इस
मीट की कीपिंग क्वालिटी कैसी होगी? मीट विद हाई एपीसी हैज पुअर कीपिंग क्वालिटी डेफिनेटली. तो नेक्स्ट है कोलिफॉर्म्स. कोलिफॉर्म्स आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट फर्मेंट लैक्टोज एट 37 डिग्री सेल्सियस टू प्रोड्यूस एसिड एंड गैस. अब जो लैक्टोज फर्मेंटेशन और ये सारी चीज़ें बैड ऑडर्स और स्मेल्स वगैरह वो कोलिफॉर्म्स की वजह से ही पैदा होते हैं मीट के ऊपर. दे इंक्लूड ऑर्गेनिजम्स इन द जेनेरा स्कर्शिया, क्लेबसिएला, एंटेरोबैक्टर, सिट्रोबैक्टर, सेरेटिया एंड हैफनिया. दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर This group of bacteria are found everywhere in the environment, including fecal coliforms that are found in the gastrointestinal tract of animals. इसलिए हमने पीछे पढ़ा है कि विश्राद ऑपरेशन के दौरान उसके जो गट कंटेंट्स हैं उनको कार्केस के साथ मैक्सिमम कोशिश करने की गई है कि वहाँ पे उनकी कंटेमिनेशन हो ना हो, ताकि जो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहाँ पे उधर मीट के ऊपर ट्रांसफर ना हो. The presence of large numbers of coliforms in meat indicates that slaughtering took place under unhygienic conditions. अब ultimately ये चीज़ को determine करेगा कि वहाँ पे slaughtering operations, procedures या GHPs आपकी इस level की नहीं थी कि जिससे आपने maximum वहाँ पे cross contamination हुई है. Fecal coliforms, E. coli. Fecal coliforms are strains of Escherichia coli that are found in the GIT and are shed in the feces of man and food producing animals. Participants, some just 1 minute ke liye wait karenge, azan ho rahi hai.
ओके जी, वी आर बैक। हम बात कर रहे थे फीकल कोलीफॉर्म्स के बारे में। फीकल कोलीफॉर्म्स आर स्ट्रेन्स ऑफ एस्कर्शिया कोलाई दैट आर फाउंड इन द जीआईटी एंड आर शेड इन द फीसेस ऑफ मैन एंड फूड प्रोड्यूसिंग एनिमल्स। एस्कर्शिया कोलाई इज अ रॉड शेप्ड मेंबर ऑफ द कोलीफॉर्म ग्रुप, distinguished from other coliforms by their ability to ferment lactose both at 37 degrees Celsius and 44 degrees Celsius to produce acid and gas. Ab E. coli, jaise maine pehle bataya ki during maceration process GSPs ko jab hum proper way mein maintain karenge to definitely there are minimum chances of E. coli contamination with the carcass. तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल जो है ना ये कीपिंग क्वालिटी को डिटरमिन करता है E. coli, मीट की कीपिंग क्वालिटी को। व्हेन कल्चर्ड ऑन एन ईओसीन मेथिलीन ब्लू एगर अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर E. coli इज मेटालिक ग्रीन कॉलोनीज ऑन अ डार्क पर्पल मीडिया। E. coli आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ऑफ फीकल रीजन एंड देयर प्रेजेंस इज दैट एन इफेक्टिव कंफर्मेशन ऑफ फीकल कंटेमिनेशन। मतलब ये कि E. coli जब इसके साथ उसकी इंडिकेशन आ गई है लैब टेस्ट में तो डेफिनेटली इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि हमारा कारकस जो ना वो कंटेमिनेट हुआ है E. coli के साथ। देन द प्रेजेंस ऑफ E. coli इन मीट इज देयरफॉर इंडिकेटर ऑफ फीकल कंटेमिनेशन। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द पोटेंशियल रिस्क ऑफ अकरेंस ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स इन द मीट प्रोडक्ट। जो मीट प्रोडक्ट तैयार करेंगे डेफिनेटली उसमें फिर इसकी मौजूदगी होगी, तो लिहाजा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम पहले से अपनी जो गुड हाइजीन प्रैक्टिस हैं उनको इस हिसाब से एसओपीज के तहत लेके चलें ताकि वहाँ पे कंटेमिनेशन ना हो। साल्मोनेला स्पीशीज, दीज आर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया दैट इंक्लूड सेवरल पैथोजेंस ऑफ सिग्निफिकेंस इन काजिंग फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन। फूड पॉइजनिंग का बायस बनते हैं साल्मोनेला स्पीशीज। They mainly arise from fecal contamination but can also arise from processing environment usse bhi ye arise ho sakte hain. Interpretation and use of quality assessment results. Results of testing can be used to validate whether the apparatus has some based procedures are controlling food safety as well as verify that they are applied correctly. It is assumed that all animals entering the slaughterhouse have the potential to carry pathogenic organisms और ऑन देम। अब यहाँ पे फिर वही है कि एंटीमार्टम की जो इंस्ट्रक्शन है वो इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि वहाँ पे कोई किसी किस्म का फ्लॉ ना रहे ताकि फर्दर जो एनिमल ने प्रोसेसिंग में आना वहाँ पे कोई बैक्टीरियल या पैथोजेनिक कंटेमिनेशन ना हो। दीज माइक्रोऑर्गेनिजम्स मे बी ट्रांसफर्ड टू द कार्केस ड्यूरिंग स्लॉटर एंड डेसिंग। साइंटिफिक एविडेंस शोज दैट क्लीनलीनेस ऑफ एनिमल एट स्लॉटर मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ ट्रांसफर ऑफ पैथोजेन फ्रॉम the hide to the carcass. However, a negative microbiological test does not guarantee absence of such pathogens in the carcass as they are usually found in low numbers and in a small area of carcass. मतलब जो specific area है carcass का वहाँ पर भी ये presence हो सकती है। मतलब अगर एग्जाम्पल में result zero आता है इसका तो ये लाजमी तौर पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब meat हमारा contaminate नहीं हो सका, मतलब during processing contaminate नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल जो गाइड से रिलेटेड पार्ट्स हैं कार्कस के वहाँ की फिर फर्दर सैंपलिंग करने की जरूरत है कि वहाँ पे उससे ड्राइनिंग एरिया कार्कस के एरिया मीट एरिया इन्फेक्ट हुए होंगे डेफिनेटली, तो वहाँ पे सैंपलिंग करने की जरूरत है। या ओवरऑल अपने जो एनवायरमेंट है स्टार्टर हाउस का उसको बेहतर करने की जरूरत है। देयरफॉर कंट्रोल मेजर्स दैट रिड्यूस द एपीसी कोलीफॉर्म्स काउंट्स E. coli एंड साल्मोनेला स्पीशीज reduce the risk of the presence of pathogenic bacteria on meat. इन चारों को हमने consider करना है। Recommended microbiological criteria for fresh meat. Good microbiological standards mean less than 10 raised to power 4 total pleurite count के केस में आते हैं। इसी तरह Enterobacteriaceae के केस में less than 100 आते हैं। देन क्रिटिकल स्टेज में क्या आता है बिटवीन 10^5 टू 10^4। इस
कंडीशन के दरमियान में अगर स्पीसीएसी होगा तो वो हमारी मीट की क्वालिटी क्रिटिकल माइक्रोबायोलॉजिकल कंडीशन में होगी, मतलब उसकी कुकिंग क्वालिटी लो होगी। जैसे जैसे ये मतलब नंबर ऑफ स्पीसीएसी बढ़ता जाएगा उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कम होती जाएगी। इसी तरह अगर 10^5 से ज़्यादा स्पीसीएसी है तो उसकी मतलब वो नॉन एक्सेप्टेबल लिमिट्स में आएगी। इम्पैक्ट ऑफ बैक्टीरिया ऑन मीट, बैक्टीरिया का मीट की कीपिंग क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट होता है? दो कैटेगरी में मीट स्पॉइलेज और फूड या मीट पॉइजनिंग। मीट स्पॉइलिंग में आता है पुटिफिकेशन, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, स्लाइम प्रोडक्शन। इसी तरह सॉरनेस जिसमें उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, इकोलाइज को प्रोड्यूस करता है जैसे मैंने पहले बताया है, उसमें इसकी डिसकलरेशन हो जाती है, ग्रीनिश कलर इसकी जो ना बाय प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह रेंसिडिटी है, ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स, फैट्स जब ब्रेकडाउन होती हैं तो रेंसिडिटी कॉज होती है। रेंसिडिटी से भी फर्दर फिर बैड ऑडर्स जनरेट होते हैं। देन इन्फेक्शन है, ingested with contaminated food, bacteria multiply and produce toxins in consumers organism, cause illness, ye infection ka baas bante hain. Intoxication, microorganisms, bacteria, molds multiply in contaminated food and produce toxins. Ingestion of toxins by consumer cause illness, ye foodborne illness ka case ho jata hai. Again, the microorganisms causing microbiological spoilage of meat. Putrefaction, Pseudomonas cause करता है। ये cold room flora भी इसको बोलते हैं। Proteus या Clostridium भी putrefaction cause करता है। Soaring, इसमें taste change हो जाता है, जो कि lactobacillus lactic acid produce करता है। Enterococcus है, पेडियोकोकस है, इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। फर्मेंटेशन यीस्ट काज करते हैं जिसमें सैक्रोमाइसिस हैं, एंटेरोबैक्टीरियासी हैं या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं। टर्बिडिटी, क्लाउडी ब्राइन इन मीट जूस, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया काज करता है, एंटेरोबैक्टीरियासी में आ जाता है। वैक्यूम पैक्ड मीट और सॉसेज स्लाइसेस, ग्रीनिश डिस्कलरेशन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। स्लाइम फॉर्मेशन, स्यूडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज हैं। एंटेरोबैक्टीरियासी ऑन ओपन मीट, अनकवर्ड मीट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन वैक्यूम पैक मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स, यीस्ट्स ऑन रॉ फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स सच एज रॉ हैम्स। Density of fats mainly due to presence of oxygen. Oxygen के साथ reaction करता है aerobic bacteria, इसको cause करते हैं, but certain microorganisms are also capable of causing fat deterioration. Mold growth penicillium और aspergillus और mucor के through होती है। तो ये सारी meat की जो एक quality deterioration की stages हैं जो कि मुख्तलिफ bacterias cause करते हैं। ये यहाँ पे एक केस की बात की गई है फूड एट रिस्क में, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग मीट मिंसिंग, ओरिजिन ऑफ बैक्टीरिया ट्रांसफर टू मीट ड्यूरिंग मिंसिंग, और ये सर्वाइवल करता है 8 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे साल्मोनेला बैक्टीरिया जो कि ड्यूरिंग मीट मिंसिंग इंट्रोड्यूस होता है। इंट्रोड्यूस कहाँ से होता है? हो सकता है आपका इक्विपमेंट ठीक नहीं है, हो सकता है जो रॉ मटेरियल आप यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो, लेकिन मीट पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं? साल्मोनेला है,
ईकोलाई हैं जो कि फूड बॉर्न इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेन्स हैं, कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई है फूड इन्फेक्शन काज करता है, यर्सीनिया एंटेरोलिथिका है फूड बॉर्न इन्फेक्शन काज करता है, स्टेफलोकोकस यूरिया है, इसी तरह क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, माइकोटॉक्सिन प्रोड्यूसिंग मोल्ड्स हैं या नोरोवायरस हैं, ये सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, लीक की किसी भी क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। यहाँ तक हमने जी एच पी की बात की थी, अब हम फर्दर कुछ हैसअप का देख लेते हैं कि हैसअप की क्या कंसिडरेशन हैं मीट क्वालिटी एश्योरेंस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हैसअप जो है सात प्रिंसिपल्स हैं, हम उन्हीं सातों प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हैसअप आर फैक्ट्री एंड प्रोडक्ट स्पेसिफिक। जी एच पी और हैसअप में फ़र्क ये है कि जी एच पी फैक्ट्री और प्रोडक्ट स्पेसिफिक मतलब नहीं है, ठीक है जी। किसी भी सिस्टम पे जी एस पी एक जनरल सेट ऑफ हाइजेनिक और क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम गाइडलाइंस हैं। फॉर एग्जांपल वो मीट के सिस्टम पे अकॉर्डिंगली मॉडिफाई की जा सकती हैं, जनरल कोई और फूड आइटम है उसके अकॉर्डिंगली इसको मॉडिफाई किया जा सकते हैं, लेकिन हैसअप फैक्ट्री और प्रोडक्ट स्पेसिफिक हैं, मतलब हर एक खास प्रोडक्ट के लिए हैसअप अप्लाई होगा accidentally, suffering hazards to consumer health. मतलब जो कंज्यूमर हेल्थ से रिलेटेड हैजर्ड हैं जो एक्सीडेंटली अक्सर कर सकते हैं, एक्सीडेंटली हैपन हो सकते हैं, उनको फोकस करता है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ हैजर्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स पे क्या हो सकते हैं, एवरी सिंगल मीट प्रोडक्ट विद प्रोडक्ट स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स अ स्पेसिफिकली डिजाइंड इंडिविजुअल हैसअप स्कीम। मतलब ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, हर प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक हैसअप का सिस्टम डिजाइन किया जाता है। एज अ की कंडीशन फॉर इंप्लीमेंटिंग हैसअप कंसेप्ट, हैज एन एनालिसिस असेसमेंट रेफरिंग टू मीट प्लांट स्पेसिफिक प्रोसेसिंग मेथड्स और प्रोडक्ट्स हैव टू बी कैरिड आउट, critical control points CCPs have to be identified, critical limits then formulated की जाती हैं and monitoring systems properly implemented। अभी फसल की सारी डिटेल्स में हम डिस्कस करते हैं। ऐसे के 7 principles हैं। First one is hazard analysis and risk assessment। हमने सबसे पहले hazard को देखना है कि असल मसला है क्या, risk है क्या, risk को identify करना है। risk या hazard तीन किस्म के हो सकते हैं, बायोलॉजिकल नेचर का, फिजिकल या केमिकल नेचर का हैजर्ड हो सकता है। हमने इसको डिटरमिन करना है, आइडेंटिफाई करना है। बायोलॉजिकल हैजर्ड अगर होंगे तो उसकी क्या कंडीशन हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल पैरासाइट के थ्रू वो हैजर्ड काज हुआ होगा, काजिंग जूनोटिक डिजीजेज, बैक्टीरिया काजिंग फूड पॉइजनिंग या फूड बॉर्न इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन, मोल्ड्स जो कि माइक्रोटॉक्सिन काजिंग फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन हैं, वायरसेज काजिंग फूड बॉर्न इन्फेक्शन हैं, अगर ये कंडीशन प्रिवेल करती हैं तो वो बायोलॉजिकल हैजर्ड के जमरे में आएगा। ओके, फिजिकल हैजर्ड्स, रेस्ट ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक ग्लास, बोन फ्रेगमेंट्स, एनिमल टीथ इन केस ऑफ प्रोसेसिंग हेड मीट, metal fragments such as sausage clips, broken knife blades, needles, plastic, stone, ये वो जितनी भी मतलब physical nature की चीज़ें अगर meat quality को hinder करती हैं या during processing production meat के साथ intermingle करती हैं तो वो physical hazard के जमरे में आएगा। इसी तरह chemical hazards में मुख्तलिफ chemical के साथ contamination हो सकती है, लाइक heavy metals हैं, chemical solvents हैं, cleaning agents हैं, disinfectants हैं, residues of veterinary drugs हैं, feed additives हैं, pesticides हैं, pesticides farm level पे भी इनकी concentration है, इसी तरह rearing के दौरान veterinary drugs हैं, food additives with risk of overdoses, overdose का issue यहाँ पे हो सकता है, like nitrates and nitrites हैं, chemical preservatives हैं। पहले मैंने क्लोरीन की एग्जाम्पल दी थी, वहाँ पे अगर क्लोरीन के जो सोल्यूशन तैयार किया उसमें क्लोरीन की मिकदार ज्यादा, देन
वो भी वहां पे हैजर्ड बन सकता है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, सीसीटी को डिटरमिन करना. अभी हम दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं, एसएफटी के साथ प्रिंसिपल्स हैं. दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि सीसीटी को डिटरमिन करना. क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट बेसिकली है क्या? क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट एक ऐसा स्टेप है जिसमें हम एक बेंचमार्क लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मीट प्रोसेसिंग के केस में क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट ये हो सकता है कि प्रोसेसिंग के दौरान जब हम रेस्टोरेशन करते हैं वहां पे गट जो कंटेंट्स हैं उनकी कंटेमिनेशन अगर बिल्कुल हो जाती है कार्पेस के साथ तो वहां पे एक सीसीपी लग सकता है. अब सीसीपी हमेशा वहां पे लगेगा जहां पे क्रिटिकल लिमिट्स को हम डिफाइन कर सकें. फॉर एग्जांपल गट के कंटेंट्स कार्पेस के साथ जब कंटेमिनेट होंगे लगेंगे तो वहां पे क्रिटिकल लिमिट हम लगा सकते हैं. आया कि कम लोड ऑफ बैक्टीरिया वहाँ पे आया है या ज़्यादा लोड आया है बैक्टीरिया का, तो सीसीपीज इन दैट केस हम डिटरमिन कर सकते हैं. एक प्रोडक्ट की एक किसी भी एक खास प्रोडक्ट की जब प्रोसेसिंग होती है तो वहाँ पे एक ही प्रोसेसिंग में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ स्टेप्स पे सीसीपीज लगाए जा सकते हैं. लेकिन सीसीपीज वहाँ पे लगाए जा सकते हैं जहाँ पे क्रिटिकल लिमिट्स की बात आए, क्योंकि क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट से फर्दर हमने क्रिटिकल लिमिट्स पे जाना होता है कि क्या कौन सी मिनिमम लिमिट्स हैं, जहाँ तक कौन सा ऐसा बेंचमार्क है जहाँ तक हम इस चीज़ को अलाउ कर सकते हैं. उसके बाद से फर्दर हम फिर उसको एक उसको उसके मतलब करेक्टिव एक्शन के तौर पे उसको हम कंसिडर करेंगे कि उस हद के बाद हम वहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेंगे. ओके, तो अनलोडिंग बे फॉर रॉ मटीरियल. अब यहाँ पर ये मुख्य स्टेप्स हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सीसीटीवी लगाने के, जहाँ पे हम सीसीटीवी को कंसिडर कर सकते हैं. अनलोडिंग बे फॉर रॉ मटेरियल्स, मीट एंड नॉन मीट इंग्रेडिएंट्स, कोल्ड स्टोरेज होम्स हैं, मीट कटिंग एंड प्रिपरेशन फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटी फॉर हैंडलिंग नॉन मीट एडिटिव्स हैं, मीट कम्युनिकेटिंग यूनिट्स हैं लाइक ग्राइंडर्स, बॉल चॉपर्स हैं, मिंसिंग मशीन हैं, फिलिंग इक्विपमेंट एंड केसिंग्स हैं, हीट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं, स्मोक हाउसेज हैं, कुकिंग वैट्स हैं, ऑटो क्लेव्स हैं, पैकिंग इक्विपमेंट एंड मटीरियल्स इंक्लूडिंग कैनिंग, कोल्ड स्टोर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स. इन सभी स्टेजेस पे हम सीसीपीज को अप्लाई कर सकते हैं सब्जेक्ट टू डिटरमिन टू द कंसीडरेशन ऑफ क्रिटिकल लिमिट्स. आगे अब क्रिटिकल लिमिट्स की बात आएगी. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्रिटिकल लिमिट फॉर ईच सीसीपी. ये याद रखें जब भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट सीसीपी लगाना है किसी भी स्टेज पे, उसके बाद वहाँ पे क्रिटिकल लिमिट डिटरमिन करना जरूरी है. उसके बगैर सीसीपी की कोई अहमियत कोई वैल्यू नहीं है. विजुअल चेक ऑफ डैमेज टू पैकेज इनकमिंग रॉ मटेरियल्स. विजुअल चेक ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स, मीट फैट टेम्परेचर कंट्रोल ऑफ मीट. फॉर एग्जाम्पल लेस देन आर इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चिलिंग टेम्परेचर पे उसका टेम्परेचर होना चाहिए. अगर इससे वो मतलब उसकी फ्लक्चुएशन होती है तो वहाँ पे सीसीपी और इस तरह क्रिटिकल लिमिट वहाँ पे डिटरमिन की जा सकती है. इसी तरह पीएच मीट की जो है बीफ के केस में लेस देन 5 होनी चाहिए. अगर वो इस चीज को वो मतलब बाइट बाय करता है तो डेफिनेटली वहाँ पे सीसीपी और क्रिटिकल लिमिट का कंसीडरेशन होगी. विजुअल चेक ड्यूरिंग मीट कटिंग एंड ग्रेडिंग. मॉइस्चर कंटेंट एक्सप्रेस बाय वाटर एक्टिविटी, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए. एडिटिव्स के केस में देन कंट्रोल ऑफ पास्चराइजेशन पैरामीटर्स लाइक 74 डिग्री सेल्सियस, इससे अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो वहाँ पे सीसीपी और क्रिटिकल लिमिट की कंसीडरेशन आएगी. कंट्रोल ऑफ स्टेबलाइजेशन टेम्परेचर एंड टाइम. विजुअल अपीयरेंस एंड टेक्सचर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स, ग्रीन डिस्कलरेशन एंड स्लाइमी सब्सटेंस आर साइंस ऑफ माइक्रोबियल या मोल्ड ग्रोथ. ओके, इसी तरीके से बाकी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्रिटिकल लिमिट को डिफाइन किया जा सकता है. अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ईच सीसीटी. अब हर सीसीटी के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम रखना है कि क्या वो सीसीटी उस क्रिटिकल लिमिट को
अबाइड बाय तो नहीं कर रही इसको, वो मतलब हार्नेस तो नहीं कर रही उससे आगे पीछे तो नहीं, मतलब पैरामीटर जा रहे, तो वहाँ पे फिर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाता है। इसी तरह फर्दर फिर मॉनिटरिंग सिस्टम की अवेलुएशन भी होती है, फिर फर्दर री एवेलुएशन भी होती है उस सिस्टम की। मॉनिटरिंग इज द रेगुलर पीरियडिक मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन एट अ स्पेसिफिक टर्मिनल वेदर क्रिटिकल लिमिट और टारगेट लेवल हैज बीन मेट। The monitoring procedure must be able to detect loss of control at CCD. Then establishment of corrective action. अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि एक कंट्रोल सिस्टम उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस मौजूद है, क्रिटिकल लिमिट के ऊपर भी और CCD के ऊपर भी, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुख्तलिफ टूल्स हो सकते हैं ऑब्जर्वेशन के, जनरल ऑब्जर्वेशन है हमारी, फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, या टेस्टिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। अब फर्दर हम अपने जो प्रोसेस चल रहा है उसके पैरामीटर्स को देखेंगे और जो हमारे टेस्ट के रिजल्ट हैं उनको हम वेरीफाई करेंगे। जो भी इन दोनों के दरमियान में फ्लक्चुएशन होगी उस बेस पे हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। फॉर एग्जांपल एक चिलिंग टेम्परेचर है, रिकमेंडेड ये है एटलीस्ट 4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए चिलिंग टेम्परेचर। अगर वहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रही है तो हमारी थर्मोमीटर की वहाँ पे जो रीडिंग है उसके अकॉर्डिंग हम उसको जब टैली करेंगे तो उस बेस पे हम फिर फर्दर करेक्टिव एक्शन का डिसीजन ले सकते हैं, आया कि उसको रिजेक्ट करना है, एडजस्ट करना है, या वहाँ पे उसको रिमूव करना है, या फर्दर उसको रीवर्क में लेके जाना है या रीप्रोसेसिंग में लेके जाना है। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। रिजेक्ट किस केस में करना है? इनकमिंग मीट विद टू हाई इंटरनल टेम्परेचर्स इस बेस पे रिजेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम रॉ मटीरियल रॉ मीट परचेज कर रहे हैं, इंटरनल टेम्परेचर का टू हाई है, बहुत ज़्यादा है, तो उस बेस पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। रिजेक्शन क्या है? ये एक करेक्टिव एक्शन है ताकि वो जो मतलब एसओपी से अबाइड बाय जो चीज़ कर रही है उसको हम सिस्टम में फर्दर प्रोसेसिंग में ना लेते हैं, उस बेस पे हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। इसी तरह एडजस्टमेंट में आता है टेम्परेचर फॉर रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट, यहाँ पे एडजस्टमेंट हो सकती है। रिमूव with clean knives, minimum virtual contamination of meat surface, reject heavily contaminated meat, adjust cooking and sterilization parameters, temperature time. इसी तरह reject meat with too high pH, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम adjust कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम adjust नहीं कर सकते। In that case हम फिर further rejection की तरफ जाएंगे या removal की तरफ जाएंगे। Adjust quantity of curing substances like level of nitrite, nitrite curing charge should contain 99.5% common charge and 0.5% nitrite. अब इस केस में हम उसकी जो जो कंसेंट्रेशन है या जो परसेंटेजेस को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इस केस में हम एडजस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं। इन केस ऑफ ड्राई फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स इफ वाटर एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स इज टू हाई, स्टॉप पैकेजिंग इन वाटर वेपर इनपरमीएबल पैकेजेस। अब आ गया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स। वेरीफाई करना कि जो सिस्टम हमने डेजिग्नेट किया, जो सेट पैरामीटर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली ही सिस्टम वर्किंग कर रहा है, फिर वेरिफिकेशन है। उसके बाद फिर री वेरिफिकेशन की तरफ आता है मामला। अब इसमें जो कंपनी के बिहार से ऑडिटर काम कर रहा है, इंटरनल ऑडिटर है, एक्सटर्नल ऑडिटर है, वो उन सारी चीज़ों को वेरीफाई करेगा। प्रोसीजर्स आर नीडेड टू इंश्योर दैट हैज़र्ड सिस्टम इज वर्किंग करेक्टली। Particular attention must be given to the monitoring frequency, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी, कितनी कितनी देर बाद आपने उसको मॉनिटरिंग या वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है सिस्टम के ऊपर, विच मे बी डेली और सेवरल टाइम्स अ डे और मोर फ्रीक्वेंटली। चेक्स ऑन द पर्सन डूइंग द मॉनिटरिंग शुड बी डन रेगुलरली एज वेल एज कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज। अब ये सारी चीज़ें इस चीज़ पर बेस करती हैं कि आपकी जो वेरिफिकेशन फ्रीक्वेंसी वो कितनी है। Establishment of documents and records. अब है सब सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग है। डॉक्यूमेंटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग के बगैर है सब इज नथिंग। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज नथिंग। सो डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स मस्ट बी प्रोड्यूस्ड कमेंसरेट विद द नेचर एंड साइज ऑफ द फूड बिजनेस टू डेमोंस्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल 1-6। 1-6 तक जितने प्रिंसिपल हैं सभी की हर स्टेज पे, हर स्टेप पे, each and every step should be documented and its record should be maintained. The documents serve for the competent authorities to evaluate the efficacy of the system. For example, third party auditing hoti hai ki aapka supplier hai ki buyer hai,
तो वो फर्दर आपकी इस डॉक्यूमेंटेशन की बेस पे आपको इवेलुएट करेगा. Records also help to face cases of problems that were encountered during past production. अब फर्दर जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इसी पे बेस करती है कि आप डॉक्यूमेंटेशन है तो उसी पे आप फर्दर अपनी प्रोडक्ट्स को ट्रेस आउट और सॉर्ट आउट कर सकेंगे. ओके जी, यहाँ तक है सब हमारा कंप्लीट हो जाता है. अब हम एक केस पर भी डिस्कस करेंगे. यहाँ पे है सब प्लान फॉर फ्रेश फ्रोजन बीफ बर्गर. यहाँ तक अभी किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है, कोई किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. अभी हम एक केस पे डिस्कस करेंगे. यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं. किसी को समझ ना आई हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं. जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे आपने कहा कि हैसल प्लान में हमने उसका जब करेक्टिव एक्शन लगा रहे हैं कि इसका मीट का टेम्परेचर हाई है तो हमने उसके बाद में रेफ्रिजरेशन कर दिया, एडजस्टमेंट हो गई हमारी, तो लेकिन इसमें जो एक हमने ये किया है कि उसके कंटामिनेशन को रिमूव करना है साथ ही, तो ये उसके करेक्टिव एक्शन में कैसे रिलेट करता है? कंटामिनेशन को रिमूव करना है, देखें कंटामिनेशन एक हद तक तो रिमूव हो जाएगी. फॉर एग्जांपल एक मीट है, उसको हम फॉर एग्जांपल कंटामिनेशन रिमूव करने के लिए या माइक्रोबियल लोड रिमूव करने के लिए हम उसको पोर्टेबल वाटर से वॉश कर लेते हैं. ठीक है, एक हद तक तो रिमूव हो जाएगी लेकिन आफ्टर सर्टेन लिमिट वो कंटेमिनेशन या माइक्रोबियल लोड उसके ऊपर से खत्म नहीं हो सकता. या जनरल डस्ट एंड डर्ट है वो तो रिमूव हो सकती है. ठीक है जी, तो उस सूरत में फिर क्रिटिकल लिमिट्स को हम डिफाइन करते हैं या हमारे जो SOPs हैं, सेट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनको हम देखते हैं, उनके साथ उसको फिर हम फर्दर टैली करते हैं कि क्या हम अपने रूल्स और रेगुलेशंस को कहीं अबाइड बाय तो नहीं कर रहे हैं. अगर तो वो हम अबाइड बाय कर रहे हैं उस लिमिट में, उस कैटेगरी में जा रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ तो हमें फिर सिस्टम को मतलब उस हिसाब से मॉडिफाई करना है या फिर फर्दर उस प्रोडक्ट को रीवर्क में ले जाना है. लेकिन रीवर्क हर प्रोडक्ट के केस में नहीं हो सकता. ठीक है, कुछ खास सर्टन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हम रीवर्क में ले जा सकते हैं. रीवर्क आई मीन टू से कि उस प्रोडक्ट को दोबारा से फ्रॉम ए स्टेज फिर फर्दर वो प्रोग्रेसिव तेजी से होता है और फर्दर जी की तरफ आएगा, मतलब दोबारा ऐसे उस प्रोडक्ट को रीप्रोसेसिंग की तरफ लेके आना. लेकिन वो फिर वहाँ पे काफी ज्यादा लिमिटेशन है. हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर ये आपने हैसब रूल्स बताए हैं, मतलब कि जो हम ये जो अप्लाई करते हैं कि हैसब के कितने प्रिंसिपल्स हैं, आप ये बता, मतलब कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हैसब के रूल्स जो मतलब कि हमारे जो चेक करने के लिए आते हैं लोग, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं, किस रूल्स और रेगुलेशंस के तहत वो चेक करते हैं और क्या क्या मतलब कि उनके डिटर्मिनेशन होती हैं, प्रोसीजर क्या है? हम यहाँ पे जनरल कंसीडरेशंस की बात कर रहे हैं कि हैसब के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, उनको हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे. आप स्पेसिफिक सेट स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं ना कि हैसब के क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी ट्रेनिंग के स्कोप से हट के है कि हम एक एक स्टैंडर्ड्स को तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही ये हमारा ट्रेनिंग का स्कोप है. हाउएवर उसके लिए फिर आप दोनों स्टैंडर्ड्स के लिए एक है PAS 220 पब्लिकली अवेलेबल स्टैंडर्ड्स 220, उनको आप फर्दर सर्च आउट कर सकते हैं. मतलब उसमें फिर हैसब की तमाम गाइडलाइंस हैं, हैसब की PRPs हैं, OPRPs हैं, प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं, ऑपरेशनल प्री रिक्विजिट प्रोग्राम्स हैं, हैसब के मतलब स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल है स्टैंडर्ड ये है कि जो ना मीट को एटलीस्ट 4 डिग्री पर रखना है या उसकी टाइम की रिक्वायरमेंट्स हैं.